सीतापुर शहर के नारायण टॉकीज हरदोई चुंगी पर स्थित बालाजी दालमोट फैक्ट्री में आज अचानक बॉयलर फटने के बाद भीषण आग लग गई। सुबह करीब 10 बजे लगी आग, दोपहर 1 बजे तक धू धू कर फैक्ट्री चलती रही। इसी दौरान जानकारी पाते ही मौके पर भगदड़ मच गई, लोगों की भारी संख्या में भीड़ जुट गई। वहीं जानकारी पाते ही फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोतवाली शहर की टीम भी पुलिस बल समेत पहुंच गई। सब कुछ व्यवस्थित किया गया। आग इतनी भीषण थी कि अंदर किसी को भी जाने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। करीब 2 घंटे तक कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने दालमोट फैक्ट्री में लगी भीषण आग पर काबू पाया। अधिकारियों का कहना है आग पर काबू पा लिया गया है, कितना नुकसान हुआ इसका अभी कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। वहीं फैक्ट्री के मालिक राजेंद्र अग्रवाल ने बताया कि अचानक हुई घटना से लोग परेशान है, कितना नुकसान हुआ ये बाद में पता लगेगा। सीतापुर से दैनिक भास्कर के लिए हरिओम अवस्थी की रिपोर्ट।